फ्रेंड्स, थैंक्स सो मच। आज हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन इज अ चेंज इन वन और मोर सब्सटेंस और रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म ऑफ न्यू सब्सटेंस विथ इंटीरियरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ए केमिकल रिएक्शन हैव टू पार्ट्स। फर्स्ट इज रिएक्टेंट एंड अनदर इज प्रोडक्ट। दस फेसेस which take part in chemical reaction is called reactant, and the species comes after chemical reaction is called product. इस पूरा प्रोसेस को मैं की एग्जांपल के सुन रही हूं। हाइड्रोजन जो कि एक गैस है और ऑक्सीजन ये भी एक गैस है, इन दोनों को अगर हम लोग रिएक्ट करवाते हैं तो हम लोग को वाटर मिलता है, लेकिन ये एक गैस नहीं है। इसका मतलब ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, मतलब प्रोडक्ट हमेशा रिएक्टेंट से डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखता है। हाइड्रोजन का प्रॉपर्टीज क्या है? ये बहुत हल्का होता है और ये जलता है, ये गैस भी है। और ऑक्सीजन ये जलता ही है पर जलने में मदद करता है और ये भी एक गैस है। और इन दोनों को जब हम लोग रिएक्ट करवाते हैं तो वाटर बनता है, और वाटर इन दोनों से एकदम डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखता है, इंटीरियरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखता है। ये लिक्विड है और ये आग को बुझा देता है। इस पूरा प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। हेलो व्यूअर्स, आई एम सुमन। ये मेरा पहला वीडियो है केमिकल रिएक्शन के बारे में, इसीलिए इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सामने दिख रहे बेल बटन को भी दबाइए ताकि अगला वीडियो जो मैं अपलोड करने वाली हूँ वो आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।